मई में देखने के लिए 10 फिल्में एनी मिथ्स और पोप फ्रांसिस डॉक्टर के लिए वॉल स्टोरी और डेडपूल 2 अगले महीने खिताब के साथ पैक किया गया है। क्रिश्चियन ब्लोवेल्ट लिखते हैं लू ओवर द वॉल पहली नजर में साजिश संदिग्ध रूप से पोनियो की तरह लग सकती है। एक लड़का गहराई से एक स्टाइलिस्ट मत्स्यांगना से मित्रता करता है। उनके पास मिल्किट की श्रृंखला होती है लेकिन लू ओवर द वॉल में यह केवल लहरें नहीं है जो चट्टान और रोल करती हैं, यह चट्टान और रोल बनाने वाली लहरें हैं। लड़का इस मामले में एक संगीतकार है और उसकी मछली महिला मित्र एक संगीत प्रेमी है जो संगीत को लोगों को एक साथ लाने के लिए एक शक्ति लंबाई श्रद्धांजलि है। यदि यह इस जापानी फिल्म को मासाकी युसा से बनाता है जिसे अमेरिका और ब्रिटेन में रिलीज के लिए अंग्रेजी में डब किया गया है तो यह स्पष्ट है। यह बात है लू ओवर द वॉल एक पारिवारिक फिल्म है जो इसकी आवश्यक अच्छी प्रकृति कल्पना और शिल्प का उपयोग करती है साझा जुनून के माध्यम से स्वीकृति और ब्रिजिंग मतभेदों के बारे मैं विषयों के लिए वाहन फिल्म स्टेज में डेनियल शिंडे लिखते हैं। यह एक अनुभव हो सकता है जो इसके बारे में ज्यादा सोचा गया है स्किंडल कहते हैं एनिमेटर्स पूरी तरह से फिल्म के नृत्य अनुक्रमों के दौरान ढीला हो जाते हैं जिसमें यथार्थवाद की सभी वफादारी को त्याग दिया जाता है और पात्र ताल और धुनों के जीवित अवतार बन जाते हैं। अमेरिका में 11 मई और स्पेन में 31 मई को जारी किया गया। ताली जूनो में होम स्केलेट्स के बारे में लेखक डियाब्लो कोडी की बातचीत को खत्म कर दिया गया है और संभवतः आपके दांतों को चोट पहुंच गई है लेकिन आलोचकों ने किशोर कॉमेडी और चार्लीज एरोन ब्लैक कॉमेडी यंग एडल्ट के बाद निर्देशक जेसन रीटमैन के साथ अपनी नवीनतम टीम अप कह रही है नई परिपक्वता दिखाता है। तुली में एरोन वापस आ गया है मार्लोन नाम की एक महिला को खेल रहा है जो दुनिया में अपने तीसरे बच्चे का स्वागत करने जा रहा है और जीवन से पूरी तरह से अभिभूत महसूस करता है तो वह टली मेनकेंजी डेविस नामक एक पेशेवर देखभाल करने वाले की सहायता स्वीकार कर लेती है जो उसकी जिंदगी को कई तरीकों से समृद्ध करती है। कोडी जो अब तक एक लेखक को हिपस्टर क्विप्स में अधिक आरामदायक तस्करी कर रही है और आसान आर्ट टिप्स के साथ टकरा रही है ने असली पात्रों के साथ एक वास्तविक कहानी के साथ एक कहानी लिखी है जो एक मुद्रा या वायुमंडल में महसूस नहीं करती है। एंटरटेनमेंट वीकली में क्रिस नैशविती कहते हैं गार्जियन में एमी निकोलसन को जोड़ता है यह झूठ के बारे में एक अद्भुत फिल्म है जिसे हम खुद को सचेत रहने के लिए कहते हैं और कारणों को हमें सच्चाई बताने की आवश्यकता हो सकती है। अमेरिका में यूके और लिथुएनिया में 4 मई को जारी किया गया 10 मई ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड और नीदरलैंड और जर्मनी और ग्रीस में 31 मई। डेडपूल 2016 की आश्चर्यजनक दुर्घटना थी। रायन रेनॉल्ड्स अभिनीत सुपरहीरो शैली पर एक बेवकूफ रुफे एक प्रोफेसर भाणे के रूप में जो कुछ बदमाशों से घबराहट से डरा हुआ था फिर उन्हें खूनी संतुष्टि के लिए एक छिपी हुई खोज में शिकार करता है। यह पूरी तरह से सहजता के प्रयास में ईमानदारी से ईमानदार था और रेनॉल्ड्स के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ चित्र संगीत या कॉमेडी नामांकन प्राप्त हुआ। अब एक अनुक्रम 2 साल बाद आता है सवारी के साथ इस बार जोश ब्रोलिन के बल के रूप में एक समय यात्रा करने वाला कठिन लड़का थानोस से भ्रमित नहीं होना चाहिए। खलनायक ब्रोलिन गर्मी के अन्य बड़े सुपरहीरो स्पेक्ट्रम में खेल रहा है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर सिनेमाघरों में अब और जजी प्रिय मावल उत्परिवर्ती डोमिनोज के रूप में बीट्स इस निश्चित रूप से वयस्कों के विल रोम से दूर दूर बच्चों को रखे यूके और इटली में 15 मई को जारी किया गया 18 मई अमेरिका तुर्की भारत और श्रीलंका में और 31 मई चेक गणराज्य और हांगकांग में जारी किया गया।
पोप फ्रांसिस मैन ऑफ द वर्ल्ड। हाल के वर्षों में विम वेंडे की सर्वश्रेष्ठ फिल्में वृत्तचित्र हैं पिना। 3D में एक विशाल प्रतिद्वंद्विता जिसने आधुनिक नृत्य अग्रणी पिना बॉश और द सॉल्ट ऑफ द अर्थ को श्रद्धांजलि में फिल्म और प्रदर्शन कला के बीच की रेखा को धुंधला किया। दूरदर्शी के बारे में ब्राजील के फोटोग्राफर सेबास्टियाओ साल्गाडो उनके नवीनतम में अभी तक का सबसे आश्चर्यजनक विषय है पोप फ्रांसिस, जो वेंडे द्वारा साक्षात्कार के लिए सहमत हुए और आज दुनिया के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों पर अपने दार्शनिक और धार्मिक परिप्रेक्ष्य को साझा करते हैं। यह फिल्म एक पल में आती है जब फ्रांसिस की संरचना और मिशन को बदलने के लिए रूढ़िवादी बैकलाश बढ़ रहा है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि वेंडे किस संदर्भ में पोंटिफ प्रस्तुत करते हैं। अमेरिका में 31 मई और पुर्तगाल में 31 मई को जारी किया गया। चेसल बीच पर साओं से रोनन प्रसिद्धि के लिए गुलाब और यान मैकवान के उपन्यास प्रायोजन के 2007 के फिल्म संस्करण में 12 साल की उम्र के रूप में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन प्राप्त किया। अब वह एक और दुल्हन के रूप में एक और मैकवान अनुकूलन में दिखाई दे रही है जो यौन दामन के डरावने मामले से पीड़ित है। यह इतनी चरम है कि वह आखिरकार फैसला करती है कि वह अपनी नई शादी को समाप्त होने की बजाय रद्द कर देगी और बिली होवेल द्वारा निभाई गई उसका पति इतना नाराज है कि वह इस बात से सहमत है कि विवाह समाप्त होना चाहिए। यह एक गीतात्मक और उत्साही फिल्म है। इस फिल्म के विविधता में क्विन ग्लेबमन ने युवा गलतियों और मिस्टर सरों के बारे में लिखा और बुजुर्ग अफसोस क्या हो सकता है के बारे में पछतावा करता है। यह एक दमनकारी जुनून खेल मजाकिया नाजुक और दिल की धड़कन है। अमेरिका, ब्रिटेन और आयरलैंड में 18 मई को जारी किया गया। सोलो ए स्टार वॉर स्टोरी, रॉन हावर्ड का आकाशगंगा में पहला सफर दूर गर्मी की आश्चर्यजनक हिट हो सकती है एक आश्चर्य, क्योंकि इस फिल्म को स्क्रूफी तस्करी के शुरुआती रोमांचों के बारे में हान सोलो ने नाटक द्वारा परिभाषित उत्पादन किया था जब इसके मूल निदेशकों को निकाल दिया गया था। हावत को कुछ हिस्सों में रखा गया था ताकि एम्पायर स्ट्राइक्स बैक द्वारा लिपि जेटी और फोर्स अवाकेंस पटकथा लेखक लॉरेंस कस्दान और उनके बेटे जैक की वापसी को और अधिक ईमानदारी से प्रस्तुत किया जा सके। परिणाम एक ऐसी फिल्म प्रतीत होता है जो भाग स्थान पश्चिमी भाग युवा हंचे विबका से कैसे मिले। सबसे पहले डिबोनिया के पहनने वाली महिलाएं लेंडो कैलसियन के साथ बातचीत करें, मिलेनियम फाल्कन में अपनी मूल उड़ान बनाएं। सोलो ए स्टार वॉर स्टोरी उन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है, साथ ही रहस्यमय केसल रन को प्रकट करती है जिसे 1977 में मूल स्टार वॉर्स फिल्म के बाद छेड़छाड़ की गई है। यूके, कंबोडिया और रूस में 24 मई को जारी किया गया। 25 मई अमेरिका, मेक्सिको, चीन और वियतनाम और क्रोएशिया में 31 मई। बदला पहली नजर में बदला का सबसे फ्रेंच टैगलाइन कभी प्रतीत होता है, कभी भी अपनी मालकिन को एक वार्षिक लड़के पलायन पर न लें, खासकर शिकार करने के लिए समर्पित। लेकिन यह शिष्टाचार की कोई कॉमेडी नहीं है। यह फ्रांसीसी निर्देशक कोराली फोर्टॉट द्वारा एक महिला के बारे में एक खूनी यहां तक कि भयानक थ्रिलर है जिसने उसके प्रेमी के सबसे अच्छे दोस्त से बलात्कार किया है और उसके प्रेमी के प्रति सहानुभूति रखने के बजाय वह उसे चट्टान से दबाकर उसे चुप करने की कोशिश करता है। वह जीवित रहती है और ठीक है, खुश नहीं है। स्क्रीन क्रश पर ब्रूट हेस लिखते हैं, बस जब आपको लगता था कि बलात्कार बदला फिल्मों के पास कुछ भी कहना नहीं था, अगर उन्हें पहले स्थान पर कुछ भी कहना था, बदला लेने के साथ साथ एक विचारशील चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण के साथ केवल चतुरता से आगे निकलता है। पहना हुआ अवधारणा लेकिन केवल यही है।
एवी क्लब में केटी राइफ कहते हैं, जब आप अपनी उंगलियों से नहीं देख रहे हैं। इस फिल्म में रक्त स्पैटर, शारीरिक विघटन और विस्फोटक सिर का स्तर बदला लेता है। एक डरावनी फिल्म के रूप में, एक कार्रवाई के रूप में चेक गणराज्य और ग्रीस में 3 मई, हंगरी और हांगकांग में 10 मई और अमेरिका और ब्रिटेन में 11 मई को जारी किया गया। पालनकर्ता नोरा टॉमी, एनिमेशन निर्देशक जिनकी फिल्म द सीक्रेट ऑफ काज ने 2010 में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन जीता था। तालिबान के तहत अफगानिस्तान में रहने वाली एक युवा लड़की के बारे में एक लंबे समय से विकास जुनून परियोजना के साथ वापस आ गया है। इस साल की शुरुआत में इस ऑस्कर में एक ही पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। द ब्रेड विन थोड़ा सा मुलन है, थोड़ा सा येंटल। युवा परवाना अपने बालों को काटता है और अपने पिता के लिए, अपने पिता के गिरफ्तार होने के बाद अपने परिवार के लिए पैसे कमाने के लिए लड़के के पास जाता है। देखा गया, क्लिन केनी ने न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा। सांस्कृतिक विनियमन के बारे में संवेदनशीलता को गहरा बनाने के समय अफगानिस्तान में स्थापित एक एनिमेटेड फिल्म पश्चिमी देशों द्वारा बनाई गई और पश्चिमी स्रोत पर आधारित कुछ लाल झंडे उठा सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेड विनर का जश्न मनाने लायक है, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जो कुछ तरीकों से रिपोर्टेज के रूप में योग्यता प्राप्त करता है। यूके, आयरलैंड और स्वीडन में 25 मई को जारी किया गया। पिन ऑन पीट, अप्रैल में एक आदमी और उसके घोड़े के बारे में एक फिल्म रिलीज हुई जो साल के सबसे प्रशंसकों में से एक है। द राइडर, इसके चलते लीनन लीट मानव समृद्ध सहयोग की एक और अत्यधिक सम्मानित कहानी है। यह चार्ली प्लमर को एक अनाथ के रूप में अभिनीत करता है जो एक क्रॉस कंट्री यात्रा पर जाता है, इसलिए वह और उसका घोड़ा एक साथ हो सकता है। जब मैं फीत निदेशक पर दुबला के बारे में सोचता हूँ, एंड्रियाई का काम, शब्द कोमलता दिमाग में आता है। स्क्रीन क्रश के ओलिवर विटनी लिखते हैं, उनकी पिछली फिल्म सप्ताहांत और 45 साल गहन संवेदनशीलता के साथ संबंधों के उदय और पतन की जांच की, जबकि लीन ऑन पीज उन दो फिल्मों के रूप में काफी अचूक नहीं है। यह कम कहानी की कहानी का एक और प्रभावशाली टुकड़ा है। अंत में आप बाहर निकल सकते हैं और दिल से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन यह आपको पर्याप्त उम्मीद भी छोड़ देगा कि हर कोई हमेशा के लिए अटक नहीं रहता है। यूके और आयरलैंड में 4 मई और नीदरलैंड में 31 मई को जारी किया गया। मैरी और चुटल का फूल, तो अगर आप इन फिल्म देखना चाहते हैं जो हैरी पॉटर और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच एक क्रॉस है, तो आगे देखो। मैरी और द विच का फूल स्टूडियो पोनोक द्वारा पहला प्रयास है।